नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। तो वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का, आइए शुरू कर लेते हैं पहली खबर से। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत के मामले दो दिन थमने के बाद फिर शुरू हो गए हैं। यमुनोत्री धाम से लौट रहे एक तीर्थ यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि एक तीर्थ यात्री की घोड़े से गिरने की वजह से मौत हो गई। यमुनोत्री धाम में यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत का आंकड़ा 12 पहुंच गया है। वहीं गंगोत्री धाम में अब तक हार्ट अटैक से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में बीती जनवरी में चुनाव आचार संहिता से पहले बड़े पैमाने पर हुए शिक्षकों के तबादलों को सरकार ने फिर बहाल कर दिया। अपर सचिव शिक्षा दीप्ति सिंह ने डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी को शिक्षा कार्मिकों को तबादलों के अनुसार ज्वाइन करने को कहा है। हालांकि चंपावत में उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लागू होने के चलते इस प्रक्रिया पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आईआरबी द्वितीय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और द्वितीय चरण के भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और पुलिस हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। पुलिस के ध्येय वाक्य मित्रता, सेवा और सुरक्षा को चरितार्थ करने के लिए पूरे मनोयोग से काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस विभाग नियमों का कड़ाई से पालन करे और अतिरिक्त सावधानी बरते, साथ ही स्मार्ट पुलिसिंग के लिए तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करे। केदारनाथ धाम में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद आईटीबीपी और एनडीआरएफ को यात्रा की कमान सौंप दी गई है। अब यात्रा मार्गों से लेकर केदारनाथ धाम में आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे, जो तीर्थ यात्रियों की हर संभव मदद करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री क्या मान चुके हैं कि पर्यटन मंत्री चारधाम यात्रा को सुचारू करने में असफल हो गए हैं, इसीलिए दो मंत्रियों को अलग अलग धामों की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान मेडिकल सुविधाएं पहले से ही लचर हैं और इस बार जब यात्रियों की अधिक संख्या का अनुमान था तो फिर चिकित्सा व्यवस्थाओं को भी उसी हिसाब से जुटाया जाना चाहिए था। तो फिलहाल आज के उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।